భక్తులకు ముఖ్య విజ్ఞప్తి. ఇక్కడ కూర్చున్నాను. శ్రీవారి మెట్టు నుండి आज हम सारे भारतवर्ष के अखंड हिंदू भाइयों और बहनों और परिवारों से और विश्व भर के सनातनियों से बस यही कहना चाहते हैं कि हम ये सीढ़ियां चल पड़े हैं सात पहाड़ पार कर कर अपने वेंकटेश्वर स्वामी तिरुमल तिरुपति देवस्थानम के अधिपति भगवान बालाजी से ही बस यही एक मन्नत मांगने. बहुत हो गया भगवान, कई सारे लोग अलग अलग धर्म के अलग अलग मजहब के लोग बड़ी हिंसात्मक प्रवृत्ति से सनातन धर्म का अपमान करते आए, हिंदुओं का अपमान करते. अब तो हमारा ये क्षमा प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हमारा इस प्रायश्चित को स्वीकार कीजिए और उग्र नरसिंह अवतार बनकर इस धरती माता का बोझ उठाने, हमारे हर सनातन मंदिर को हाथ लगाने वाले गलत सोच विचार का खत्म कर दीजिए, मार डालिए उस सोच विचार को और उन सारे लोग जो अपवित्र सोच से आते हैं उनको रोक दीजिए.
थाने मत देना। और हर वो सनातनी हिंदू जो धर्म के प्रतिष्ठापन के लिए, न्याय के लिए इस भारत वंश को, भारत को आगे लेके जाना चाह रही, उनके साथ रहिए, उनके हिम्मत दीजिए। जय बोलो गोविंदा गोविंदा। भैया जो भी कल आना चाह रहे हैं उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। हम बस उनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं, जगन मोहन जी जब 18 बार आपने अपवित्र घी को वापस किया है तो आप 18 बार क्यों नहीं चढ़े तिरुमला? 18 बार आप हमारे सामने चंद्रबाबू नायडू जी के जैसे पत्र लेकर क्यों नहीं आए? 18 बार ये गलत काम होने के बावजूद भी आप हम तक ये विषय क्यों नहीं पहुंचाए? हमको मौका क्यों नहीं दिए प्रायश्चित करने के लिए? आज आप बाहर निकले सीढ़ियां चढ़ने के लिए, मंदिर आने के लिए, जो 18 बार गलती कर वापस भी जाते आया उस इंसान, उस जगन जी से मैं सवाल करती हूँ, 1300 करोड़ जो लड्डुओं के ऊपर मंदिर में पैसे आते, उस पैसे से आपने ऐसा गौशाला क्यों नहीं बनाया जिससे शुद्ध घी स्वयं तिरुमल तिरुपति देवस्थान में बन सकता था? आज आपके गलतियां बाहर आ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं हम भी आएंगे ऊपर। अरे आप तो ऐसा जीवों को भी जो 1990 में आंध्रा के गवर्नमेंट में जिस जीवों को लेके आया था 311 के तहत कि जब तक अंडरटेकिंग ना दिया गया कि मैं हिंदू हूं ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, मंदिर नहीं आना चाहिए, नौकरी पे नहीं लगना चाहिए, तो सुब्बा रेड्डी जी चेयरमैन बनते ही 2020 सितंबर 20 तारीख को क्यों निकाल दिया इस रूल को जिसने अंडरटेकिंग का एंडोमेंट का रूल निकाल दिया? आपका चाचा आज तब चुप बैठे थे, आज उस अंडरटेकिंग पे साइन करने का मतलब क्या है? 18 बार वापस भिजा दिए घी, 18 बार नहीं चढ़े ना आप मंदिर, सात पहाड़। बेवकूफ लोगों को जाके समझाओ आप को नहीं।